चुनाव से पहले बीजेपी का गिरा एक और बड़ा विकेट। बीजेपी के दिग्गज नेता कांग्रेस में हुए शामिल, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। दरअसल आपको बता दें, चुनावी साल में कांग्रेस के कुनबे में विस्तार हो गया जब बीजेपी के पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने आज सैकड़ों समर्थकों के साथ पीसीसी कार्यालय पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व विधायक शर्मा को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। 9 दिन पहले ही गिरिजा शंकर शर्मा ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही वह कांग्रेस से जुड़ जाएंगे। पूर्व विधायक शर्मा मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर होशंगाबाद से अपने समर्थकों के साथ भोपाल के लिए रवाना हुए। उनके काफिले में करीब 100 से 150 गाड़ियां थीं। गिरिजा शंकर शर्मा के साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी, वर्तमान पार्षद, पूर्व पार्षद, जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्यों ने भी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। गिरिजा शंकर शर्मा ने 1 सितंबर को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। कुछ दिन पहले ही गिरिजा शंकर ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से ही तय हो गया था कि वह जल्द ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे। होशंगाबाद सीट से चुनाव लड़ने की बात को लेकर पूर्व विधायक शर्मा ने मीडिया के समक्ष स्पष्ट किया है कि बीजेपी से विधायक उनके सगे भाई हैं, हम साथ साथ रहे हैं। अगर बीजेपी से भाई को टिकट मिलेगी तो वे भाई के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। आपको बता दें, एक दिन पहले शनिवार को भोपाल जाने को लेकर क्षेत्र में पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा के साथ पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के फोटो भी शामिल थे। इन पोस्टरों पर लिखा था, चलो भोपाल चलो भोपाल। यही पोस्टर गाड़ियों पर भी चिपकाए गए थे।